कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी तक बहुत ही संतोषपूर्ण रहा है। पावर हाउस, टैलेंट की पावर हाउस साक्षी मलिक कादियान ने फिर से स्वर्ण पदक जीत करके भारत का नाम ऊंचा किया है, और साथ ही साथ बजरंग पूनिया जिन्होंने बर्मिंघम में फिर से गोल्ड प्राप्त करके अपना भारत का झंडा फहराने की और जनगण मन फिर से बर्मिंघम में बजाया है। अंशु मलिक रेसलिंग में जिनको 57 केजीज में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुधीर जिनको पारा पावर लिफ्टिंग मेंस हेवीवेट में गोल्ड मेडल मिला है, मैं उनको बहुत सारी उनके डिटर्मिनेशन उनके डेडिकेशन के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। एक बहुत ही स्वर्ण उनका भविष्य हमें नजर आता है। श्री शंकर एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और तेजस्विन शंकर ने इतिहास रचा है, उन्होंने एथलेटिक्स में पहली बार मेंस हाई जंप में ब्रोंज मेडल जीता है। और यहीं रुकता नहीं सफर हमारे मेडल्स का, हार्ड वर्क और डेडिकेशन ने एक बार फिर से मेडल दिलाया है हमारे वेट लिफ्टर्स को। तुलिका मान हमारी लड़की सिल्वर मेडल जूडो में लेकर के आई है, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडल है भारत के लिए। सौरव घोषाल ने नई ऊंचाइयों को तय करते हुए सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है बर्मिंघम में बैडमिंटन में। जी हाँ, बैडमिंटन में लवप्रीत सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेंस 109 केजी वेट लिफ्टिंग में। हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इंडियन बैडमिंटन टीम के श्रीकांत किदंबी, सात्विक साई राज, रणकी रेड्डी, बी सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, त्रिशा जॉली, आकर्षी कश्यप, अश्विनी बोपन्ना, गायत्री गोपीचंद, पीवी सिंधु को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं सिल्वर मेडल जीतने के लिए बर्मिंघम में। बहुत 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 शुभकामनाएं। और थमता नहीं सफर ये, विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, बधाई हो विकास आपको। और बहुत ही अच्छी खबर आई है टेबल टेनिस के लिए, जहां हमारी टीम जिसमें जी साथियान, हरमीत देसाई, शरत कमल और सुनील शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में। बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतिहास रचा है बर्मिंघम में हमारी लड़कियों ने। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी सईका और रूपा रानी तिर्की ने आज हमारे घर में लॉन बॉल्स में आज पहली बार गोल्ड मेडल आया है। बहुत 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 बधाई हमारी लड़कियों को। वेट लिफ्टिंग में भारत तो सबको पछाड़ के रहेगा, ऐसा लगता है, कसम खाई है। वेट लिफ्टिंग कंटिंजेंट ने बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खूबसूरत प्रदर्शन करते हुए, और हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बधाई हो हरजिंदर। विजय कुमार यादव पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत का नाम ऊंचा किया है। हम बहुत खुश हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस सुशीला देवी लिकमा बम के द्वारा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन करते हुए। बहुत खुश हैं हम, भारत का नाम ऐसे ही ऊंचा करते जाइए। अचिंत शिवली ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और वो बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वेट लिफ्टिंग की है, उन्होंने वाह 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 क्या बात है। 14 मेडल, 7 गोल्ड मेडल, जिसमें महिलाओं ने 5 जीते हैं गोल्ड इन ग्रीको रोमन आफ्टर 32 साल के बाद, 32 ईयर्स के बाद गोल्ड इन ग्रीको रोमन।
वाह वाह वाह, अंडर 17 के कैडेट्स इंडिया का भारत का प्रदर्शन बहुत ही खूबसूरत रहा है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारा युवा शक्ति इतिहास पे इतिहास लिखता जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस जर्मी लाल रिनुंगा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में, बहुत खूबसूरत। और शुरुआत की थी हमारी सैकोम मीराबाई चानू ने, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ते हुए। बर्मिंघम में भारत का झंडा बारंबार राष्ट्रगान बजता है, बड़ी खूबसूरत ये फीलिंग है, बहुत अच्छी भावना है। पी गुरुराज को भी मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे वेटलिफ्टिंग में संकेत सरकार भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। पदकों की तालिका अगर देखें आप तो इतना खूबसूरत ये सफर रहा है, बहुत शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों को।